हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टिकटेड आर्ट बुक शिफ्ट आर्ट निकाले। आज प्रैक्टिकल ड्राइंग बुक में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी ड्रॉ कलर नहीं करना, सिर्फ थियरी चलाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ थियरी। टिकटेड आर्ट बुक एग्जाम भी करीब है। पेज नंबर 59, चैप्टर 5, क्रिएटिव यूजेस ऑफ आर्ट इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में हम किस तरह से क्रिएटिव उसका क्रिएटिव यूज कर सकते हैं आर्ट का, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। कंप्यूटर की पहले तो जानकारी पहले दिया है, पहले तीन पैराग्राफ में जानकारी दी है, तो हमें पता भी है। वैसे तो आज के फास्ट जनरेशन में साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर की जानकारी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर वो सारी जानकारी देती है जो कि बच्चे चाहते हैं, ग्रोथ यानी उन्नति और क्वालिटी खासियत की उम्मीद रखते आज लाइफ स्टाइल में गुड नॉलेज रखना सभी के लिए ज़रूरी बन गया है। कोई इंफॉर्मेशन जानकारी किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम कंप्यूटर के ज़रिए ही बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसकी मदद से हम क्रिएटिविटी यानी कि गुजराती में कल्पना सृजन इम्प्रूवमेंट सुधार ला सकते हैं। इसकी मदद से हम अपनी क्रिएटिव कल्पना सोचने के बदले जो कुछ हम क्रिएट कर पाते कल्पना सृजन वो सुधार कर सकते हैं। आर्ट ऑफ ड्राइंग में भी कंप्यूटर की मदद से काफ़ी इजाफा हुआ है। कमर्शियल आर्ट में भी इसकी मदद से काफ़ी सरलता और विकास हुआ है। डिज़ाइन सिंबल एड यानी कि एडवर्टाइजमेंट, उसमें धंधे रोजगार की पब्लिसिटी, धंधे रोजगार प्रचार करना जिसके उनका डिमांड बढ़े, लेटर पैड प्रिंटिंग कार्ड जैसे कामों में कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। 2D 3D शेप्स और एनिमेशन के जरिए कार्टून फिल्म या पेंटिंग के काम में भी इसी से आर्टिस्टिक वे से इस्तेमाल होता रहा है। आज के दौर में कंप्यूटर में हम अलग अलग सॉफ्टवेयर से ड्राइंग कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, लाइट एंड शेड भी आसानी से नेसेसरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाल सकते हैं। तो यहाँ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रो, पेंट ब्रश और एनिमेशन की जानकारी कुछ दी गई है। पहले हम पढ़ लें, इंट्रोड्यूस फास्ट जनरेशन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो एडवांस दैट It gives all the information which is required by the children. For the growth and quality, it is very important to have a good knowledge about computers in our daily life. We can get information any important topic in an easy way. With the help of computers, we can improve and display our creativity. With the help of computers, growth in art is also being seen. Commercial art is being used more with the help of computers. Computer is been used to work of design, symbol, pictures for publicity, letter pad, printing cards, etc. In addition to this, 2D and 3D shapes and with the help of animation, cartoons, films, or even to make paintings, computers can be used in an artistic way.
We can draw and color different types of pictures by installing necessary software. We can also show light and shade in the drawing. Detailed information on software of Photoshop, CorelDRAW, Paintbrush, and animation is given below. ठीक है, अभी थोड़ा बहुत झांकी दिया है हमें, जो हमें पता भी है पहले से। तो नीचे हमें फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, पेंट और एनिमेशन इन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। फोटोशॉप, फोटोशॉप पहले मैं बता दूं, फोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर फोटोग्राफ को डिजिटल करने में मदद करता है। फोटो इमेज में मिक्सिंग, एडिटिंग, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स और वेब लेआउट तैयार करने में मदद करता है। इमेज मिक्सिंग और क्रिएटिव इफेक्ट से पिक्चर को और ज़्यादा क्रिएटिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बुकलेट ब्रोशर्स बना सकते हैं। पुराने बिगड़े हुए फोटोग्राफ्स सुधारने के लिए वेबसाइट बनाने और प्रिंट मीडिया के लिए एड्स बनाने के लिए इस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल होता है। डिफरेंट इमेज कलेक्ट करके न्यू पिक्चर या इमेज क्रिएट करने, मॉडलिंग फोटोग्राफ, फ्लैक्स बैनर या 2D 3D पेंटिंग में इसकी ज़रूरत रहती है। Photoshop. This software helps to make photographs in digital. This software also helps in mixing in photo image, editing, extra effects, etc. It also helps for web layout, image mixing, and creative effects can help in making the photograph creative and beautiful. We can portfolios, booklet or brochures with the help of Photoshop software to improve old and spoiled photograph to make new web page, print media and for advertisement. This Photoshop software can be used to make a creative art work by mixing and collaging with different drawings, modeling photograph, advertisements, flex panel, and to make 2D, 3D paintings. This software is been used. Now about CorelDRAW. You can easily draw the lining drawing with the help of this software. ज़रूरत के मुताबिक thick या thin lines में तब्दीलियाँ इसे ला सकते हैं। आसानी से कलर या टेक्सचर में सुधार लाकर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वी कैन चेंज द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। कंपनी के लोगो, ग्राफिक्स बनाने में भी इसकी मदद ली जा सकती है, ली जाती है। कॉरल ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ इन एन ईजी वे द लाइन ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर। वी can change the drawn lines thick and thin accordingly with the help of CorelDRAW. We can give textures and fill colors with great ease. We can change the design according to our choice. With the help of CorelDRAW software, we can make logo and graphics also. उसके बाद है paint. Paint एक सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। हमें वैसे पता है, हम कंप्यूटर को सेकेंड स्टैंडर्ड से हम अपने कंप्यूटर में बैठे हैं सब्जेक्ट से। नाउ अबाउट पेंट, पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिससे पेंट के जरिए कलर फिल करके इमेज अट्रैक्टिव बना सकते हैं, डिजिटल पिक्चर्स बना सकते हैं, अलग फाइल फॉर्मेट से पिक्चर फाइल कर सकते हैं।
तरीका है ओपन पेंट देन स्टार्ट बटन क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम क्लिकिंग एसेसरीज एंड देन क्लिक पेंट बटन पेंट प्लस बटन पेंसिल टूल रहता है ड्रॉ करने के वास्ते पेंट पेंट इज अ ड्राइंग प्रोग्राम यू कैन यूज टू क्रिएट ड्राइंग्स और एडिट डिजिटल पिक्चर्स यू कैन ऑल्सो यूज पेंट टू सेव पिक्चर्स पिक्चर फाइल्स यूजिंग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स ओपन पेंट क्लिकिंग दिस स्टार्ट बटन क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम्स क्लिकिंग एसेसरीज एंड देन क्लिकिंग पेंट यू कैन यूज पेंसिल टूल एंड ड्रॉ पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस पेंसिल इरेजर वो सब उसमें तो रहता है ये कलर का भी कलर की भी काफ़ी श्रेणियाँ रहती है उससे चुनने का रहता है इसमें से अबाउट एनिमेशन हम जो कार्टून फिल्म देखते हैं वो एनिमेशन के वो सॉफ्टवेयर के जरिए ये सब बना होता है एनिमेशन मतलब इल्यूजन ऑफ मूवमेंट चित्रों की एक हार इमेज फिल्म के एक मतलब एक कतार से तैयार किया हुआ सजिंदा वीडियो वो है एनिमेशन अलग अलग इमेज को फटाफट झट बदलना तो हमें लगता नहीं है बिल्कुल ही हिलता चलता है बिल्कुल सजिंदा है ऐसा मगर ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ये हो पाता है कार्टून फिल्म वो एक एनिमेशन का ही दाखिला है हम टीवी पर शौक से देखते हैं कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है कार्टून फिल्म बनाने के लिए एनिमेशन 2D और 3D ऐसे दो तरह से हम डिवाइड करते हैं कर सकते हैं एनिमेशन एन एनिमेशन इज द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय शोइंग अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स इन रैपिड सक्सेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स और फ्रेम्स झड़प से मैंने बताया ना तो हमें लगता है थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है उसको झड़प से यूज घुमाने से फिर यूँ लगता है नहीं सब कुछ बिल्कुल सजिंदा है नहीं तो कार्टून फिल्म ये एक खास एग्जाम्पल है उसमें एंड एनिमेशन इज द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय शोइंग अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स इन रैपिड सक्सेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स और फ्रेम्स अ कार्टून ऑन टेलीविजन इज वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमेशन एनिमेशन ऑन कंप्यूटर्स इज वन ऑफ द चीफ इन्ग्रीडियंट्स ऑफ मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन देर आर मैनी सॉफ्टवेयर ऑफ एप्लीकेशन दैट अनेबल यू टू क्रिएट एनिमेशन दैट यू कैन डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर मॉनिटर कार्टून एंड कार्टून फिल्म कैन बी द हेल्प ऑफ प्रिपेयर फॉर चिल्ड्रन विद एनिमेशन सॉफ्टवेयर एनिमेशन आर डिवाइडेड इंटू 2D मीन्स 2-dimensional एंड 3D मीन्स 3-dimensional एनिमेशन बस आज के लिए इतना ही सिर्फ थियोरी का ही आपको थियोरी बुक में इतना सा लिखना है एग्जाम करीब है अभी आज के लिए इतना सा थियोरी बुक में लिखना है प्रैक्टिकल में मैं कुछ भी नहीं दे रहा ओके बाय चिल्ड्रन